दिल्ली हिंसा के बहाने अमित शाह पर शिवसेना का हमला। दिल्ली हिंसा पर शिवसेना ने पूछे 7 सुलगते सवाल। 3 दिनों की हिंसा के बाद दिल्ली फिलहाल पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है। हालांकि चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है और लोग अभी भी खौफ के साए में हैं। उधर इस मुद्दे पर सियासत अब खूब हो रही है। केंद्र सरकार खासकर अमित शाह विपक्ष के निशाने पर हैं। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अमित शाह पर सवाल उठाते हुए उनका इस्तीफा मांगा था और अब शिवसेना ने भी सामना के जरिए अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, दिल्ली में हिंसा को लेकर शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सामना के एक लेख के जरिए शिवसेना ने 7 सुलगते सवाल भी पूछे हैं। मसलन, जब दिल्ली जल रही थी गृह मंत्री कहाँ थे? दंगों के वक्त आधा मंत्रिमंडल अहमदाबाद में था। राष्ट्रपति ट्रंप को नमस्ते नमस्ते साहेब कर रहे थे। 4 दिन बाद पीएम मोदी ने शांति रखने का आह्वान किया। 4 दिन बाद एनएसए अजीत डोभाल लोगों के बीच गए। इससे क्या होगा? जो नुकसान होना था पहले ही हो चुका। देश को मजबूत गृह मंत्री मिला है लेकिन वे दिखे नहीं। विपक्ष सवाल उठाएगा तो क्या उन्हें देशद्रोही ठहराया जाएगा? सरकार ने न्यायालय की ओर से व्यक्त सत्य को मार दिया। शाहीन बाग का मामला भी सरकार खत्म नहीं कर सकी। भड़काऊ भाषण ही राजनीति में निवेश बन गए हैं और अर्थव्यवस्था धराशायी, लेकिन भड़काऊ भाषण का बाजार गर्म। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब शिवसेना ने दिल्ली हिंसा के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला हो। इससे पहले शिवसेना ने दिल्ली की भयावह स्थिति को एक डरावनी फिल्म करार देते हुए कहा था कि इसने 1984 सिख विरोधी दंगों के जख्मों को एक बार फिर से ताजा कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेम का संदेश देने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे तब उसकी सड़कों पर खून खराबा मचा था और इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी की कभी इतनी बदनामी नहीं हुई थी। दिल्ली में हिंसा भड़की, लोग डंडे तलवार रिवॉल्वर लेकर सड़कों पर आ गए। सड़कों पर खून बिखरा था। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा में मारे गए लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। अब तक 39 लोगों की जान जा चुकी है जबकि 200 से ज्यादा घायल है। पूरे मामले में अब तक 48 FIR दर्ज हुई जबकि 1000 CC फुटेज की जांच हो रही है। पुलिस ने अब तक 514 संदिग्धों से पूछताछ की है। लेकिन इन सब के बीच अब दिल्ली हिंसा पर सियासत भी तेज हो गई है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।